हेलो फ्रेंड, मैं विक्रांत पुटेर आपका स्वागत करता हूँ इंडिया के सबसे बिगेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अन अकेडमी पर। अन अकेडमी टीम आपके लिए एक नया चैनल लेकर आई है जिस चैनल का नाम है डिफेंस क्वेस्ट। यहाँ पर हम आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे डेली बिहाफ पर डिफरेंट सब्जेक्ट की। तो आपका स्वागत है अन अकेडमी के बिल्कुल नए चैनल पर डिफेंस क्वेस्ट, जहाँ पर डिफेंस एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी आप सब। अब मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम विक्रांत पुंडीर है। मैंने CDS NDA जैसे एग्जाम क्लियर कर रखे हैं। मुझे 4 साल से ज्यादा टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैंने 10,000 प्लस स्टूडेंट को मेंटोर कर चुका हूँ और अब तक 1500 प्लस बच्चे सिलेक्शन ले चुके हैं मेरी स्टडीज के द्वारा, मेरी स्टडीज के द्वारा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ मैं क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। तो मैं जनरल स्टडीज और जनरल साइंस पूरा अन अकेडमी पर पढ़ाता हूँ, लेट्स क्रैक डिफेंस एग्जाम पर। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं प्लस पर भी और यूट्यूब चैनल पर भी। आगे हम लोग बात कर लेते हैं अन अकेडमी लर्निंग ऐप। आप लोगों को डाउनलोड करना पड़ेगा गूगल प्ले स्टोर से, ताकि आपके प्रिपरेशन आपको स्टार्ट की जाए और आप आगे अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, कोई भी क्लासेस वगैरह जब हो रही होंगे क्वेस्ट चैनल पर। आगे मैं आपको फीस स्ट्रक्चर के बारे में बताता हूँ। 12 मंथ का फीस स्ट्रक्चर, 24 मंथ का फीस स्ट्रक्चर है। ये फीस आपके सामने 8,000 और 9,600 है, लेकिन जैसे ही आप मेरा कोड VKPLive यूज करेंगे तो यहाँ पर आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और आपकी फीस हो जाएगी 7200 और 8640। ठीक है, आप यदि यहाँ पर ध्यान से देखें तो बेसिक डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ 1440 रुपए का। 1440 में आपको एक साल एक्स्ट्रा मिल रहा है, लेकिन आप पर डे पर मंथ की अगर यहाँ से देखें, यहाँ से की फीस देखें तो 600 और यहाँ पर 3,360 रुपीज फीस है यहाँ पर। अब मैं आपको बताता हूँ प्लस की फैसिलिटी क्या है। तो प्लस की फैसिलिटी क्या है, जिस भी सेक्शन के अंदर आप तैयारी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप CDS, FKT और CPF सेक्शन के अंदर अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो यहां पर आपको सेम फीस पर मल्टीपल एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा। उसके अलावा आप GS, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश तो पढ़ेंगे पढ़ेंगे, साथ में आप SSB बोर्ड की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज भी आपको इसी सेक्शन के अंदर मिलेगी और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए मिलेगी। तो आपको सेम एक ही फीस पर इतनी सारी की फैसिलिटीज आपको मिलेंगी, कहीं नहीं मिल सकती। लेकिन आपको यदि फैसिलिटी लेनी है तो आप मेरा कोड VKPLive यूज करिए और आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिलेगा फीस के। तो चलिए, आज की जो हमारी क्लास है, मैं आपको बताया जैसे कि एमसीक्यू क्वेश्चंस के हम लोग यहां पर प्रैक्टिस करेंगे। तो आज मैं आपके लिए फिजिक्स के न्यूमेरिकल के प्रैक्टिस कराऊंगा यहां पर सारे के सारे। फर्स्ट चैप्टर जो हमारा मोशन चैप्टर है, उससे रिलेटेड मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 अपने से। ठीक है, क्वेश्चन 1 क्या कहता है, कहता है फ्रॉम अ राइफल ऑफ मास 4 kg अ बुलेट ऑफ मास 50 kg इज फायर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द इनिशियल रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द राइफल। ठीक है भैया, एक राइफल है, राइफल से अगर आपने बुलेट फायर करी है तो उसके बाद राइफल का मास, राइफल की बुलेट का मास आपको गिवन है। ठीक है, फायर करने के बाद बुलेट की स्पीड आपको गिवन है। आपको कह रहा है आपको स्पीड कैलकुलेट करनी है, वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, किसकी, राइफल की कैलकुलेट करनी है। कहने का मतलब जब आपने फायर करी होगी तो बुलेट आगे जाएगी, लेकिन राइफल रिकॉइल बैक मतलब पीछे की तरफ जाएगी, वो पीछे कितनी स्पीड से आती है वो चीज आपको कैलकुलेट करनी है। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन यदि आप ध्यान से रखेंगे तो ये किस पर डिपेंड है, मोमेंटम पर डिपेंड है। आप सभी को पता है जैसे मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, तो आप मोमेंटम का फॉर्मूला जानते हैं भैया, क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है। लेकिन आप ध्यान रखना यहां पर यदि मैं मोमेंटम की बात करूं तो मोमेंटम की ध्यान रखना, मोमेंटम बिफोर कोलाइजन, ठीक है, बिफोर कोलाइजन ध्यान रखना, बराबर होता है आपका मोमेंटम आफ्टर कोलाइजन। ठीक है, मोमेंटम आफ्टर कोलाइजन, टक्कर लगने के बाद आपका मोमेंटम और टक्कर लगने से पहले आपका मोमेंटम बराबर होता है। इस लॉ को आप लोग क्या बोलते हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोलते हो। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं तो यहां पर आप क्या बोलोगे, मोमेंटम बिफोर फायर। ठीक है, फायर करने से पहले आपका मोमेंटम क्या होगा, बराबर मोमेंटम आफ्टर फायर, यही तो कंडीशन होगी, बिल्कुल होगी। तो सपोज करो आपने बुलेट का मास M1 मान लिया, ठीक है, ये बुलेट का मास मान लिया, ठीक है, और इसी प्रकार से सॉरी आपने बुलेट का नहीं, आपने राइफल का मास सपोज करो कितना मान लिया, M1 मान लिया, और बुलेट का मास आप सपोज करो कितना मान लेते हो, M2 मान लेते हो। ठीक है, राइफल की अगर वेलोसिटी की यदि मैं बात करता हूँ कि भैया आप राइफल की वेलोसिटी स्टार्टिंग में V1 मान लेते हो और बुलेट की कितनी मान लेते हो, V2 मान लेते हो। सिमिलर वे में अगर मास की बात करिए, मास तो कभी बदलेगा नहीं ना, मास तो वही रहेगा ना, तो यहाँ पर भी मास M1 M2 रहेगा, लेकिन वेलोसिटी में चेंज हो सकता है। यहाँ पर मैं वेलोसिटी U1 और U2 मान लेता हूं। ठीक है, अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम क्या कहेगा, M1 V1 प्लस M2 V2 बराबर M1 U1 प्लस M2 U2 होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा, यही तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, बिल्कुल है। अब ध्यान से क्या क्या चीजें आपको गिवन है, M1 की यदि मैं बात करता हूँ कितनी गिवन है, 4 kg गिवन है। ठीक है, और अगर मैं M2 की बात करता हूँ तो M2 आपको 50 ग्राम है,
ये केजी में है, ये ग्राम में, तो आप एक काम करिए इस केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर लिए, आपकी कैलकुलेशन फॉर द कन्वीनियंस के लिए सिंपल हो जाएगी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 4000 ग्राम हो जाएगा, नहीं जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए ये इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, फायर होने के बाद इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है, 35 मीटर पर सेकंड होती है। किसकी है, बुलेट की है, किसकी है, ये बुलेट की है। इसका मतलब U2 की वैल्यू कितनी की बना आपको, 35 मीटर पर सेकंड। लेकिन ध्यान से देखिए जब आपने फायर नहीं करी है तो आपकी बुलेट और राइफल दोनों रेस्ट पर है या नहीं है, दोनों के दोनों रेस्ट पर है या नहीं है, रेस्ट पर है, इसका मतलब ये सारी की सारी जीरो होगी या नहीं होगी, बिल्कुल जीरो होगी। आपको निकालना क्या है, U1 निकालनी है, रिकॉइल वेलोसिटी निकालनी है, नहीं निकालनी, यही तो निकालना है, U1 निकालना नहीं निकालना है, बिल्कुल यही निकालना है। तो अब हम अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए आपको M1 कितना गिवन है, 50 गिवन है, 50 गिवन है, बिल्कुल गिवन है। ठीक है, इनटू V1 मतलब जीरो। ठीक है, M2 की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 4000 गिवन है, V2 मतलब जीरो, रेस्ट पर है ना स्टार्टिंग में, बिल्कुल बराबर। M1 की वैल्यू कितनी गिवन है, 50, आपको यही निकालना है, U1 निकालना है। ठीक है, इसी प्रकार से 4000 आपको गिवन है M2 की वैल्यू, और कितनी वेलोसिटी से फायर होती है, आप देख लो कितनी वेलोसिटी से, 35 मीटर पर सेकंड से फायर होती है, तो इनटू 35 मैंने यहां पर कर दिया, बिल्कुल कर दिया। ठीक है, अब ये सारी की सारी चीजें आपकी क्या हो गई है, जीरो हो गई या नहीं हो गई, बिल्कुल जीरो हो गई। यहां पर क्या गया, 50 V1 आ गया नहीं आ गया, बिल्कुल हो गया। यहां पर कितना आ गया, 4000 इनटू 35 आ गया नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया। तो आप देख रहे हो 4000 इनटू 35 माइनस में जाएगा नहीं जाएगा, जाएगा बिल्कुल। V1 की वैल्यू डिवाइडेड बाय 50, ये आप करोगे 5 8 40। ठीक है, ये लगभग कितना जाएगा, 5 8 40 जाएगा नहीं जाएगा, क्लियर है, यहाँ पर आपको 48 40 जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से अपना V1 कैलकुलेट कर लिए भैया, V1 की वेलोसिटी आपकी क्या आएगी, क्लियर। तो ये आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल इस तरीके से आपका सॉल्व हो जाएगा, इस तरीके से आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी यहाँ पर ध्यान रखते हैं, चीज ध्यान रखते हैं, शायद हम लोगों ने, हाँ शायद हम लोगों ने गलती कर दी यहाँ पर, हाँ ध्यान में, गलती क्या हो गई है, यहाँ पर M1 की वैल्यू, सॉरी मिस्टेक हो गई, यहाँ पर आपको 4000 यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आपका 5 आएगा, क्लियर, थोड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज कर दी। ठीक है, ध्यान रखना, अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो आप देखो क्या आएगा, माइनस 4000 V1 इज इक्वल टू 5 into 35, क्लियर। V1 की वैल्यू कितनी आ गई, 5 into 35 डिवाइडेड बाई माइनस के 4000। वैल्यूज हम लोगों ने उल्टी ले ली थी ना, M1 की M2 में ले ली थी, M2 की वैल्यू हम लोगों ने M1 में ले ली। ठीक है, तो आप सोल्व करोगे तो V1 की वैल्यू लगभग आप सोल्व करोगे तो लगभग कितनी आएगी, माइनस के 0.4375 मीटर पर सेकेंड विल बी द आंसर, यही आपको निकालना। करेक्ट, यहाँ पर वैल्यू थोड़ी चेंज हो गई थी, बस वो ध्यान रखना, करेक्ट आंसर आपका विल क्या है, V1 इज इक्वल टू माइनस 0.437, क्लियर। फर्स्ट न्यूमेरिकल आपका सिंपल सा मोमेंटम पर डिपेंड है। चलिए अब देखते हैं सिमिलर वे पे सेकंड न्यूमेरिकल आपके सामने स्क्रीन पर ये, ठीक है, ये क्या कहता है भैया, टू ऑब्जेक्ट, ये क्या कहता है, टू ऑब्जेक्ट ऑफ मासेस 100 ग्राम एंड 200 ग्राम आर मूविंग अलोंग द सेम लाइन एंड डायरेक्शन विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड एंड 1 मीटर पर सेकंड। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट है सेम लाइन पर चल रहे हैं, सेम वेलोसिटी कितनी गिवन है, 2 मीटर पर सेकंड और 1 मीटर पर सेकंड। लिख लेते हैं जो चीज आपको गिवन है, M1 गिवन है 100 ग्राम, M2 आपको गिवन है 200 ग्राम, V1 की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 2 मीटर पर सेकंड गिवन है, V2 की वैल्यू कितनी गिवन है, 1 मीटर पर सेकंड गिवन है, नहीं गिवन है, बिल्कुल गिवन है, क्लियर है। नेक्स्ट ध्यान रखते हैं, आफ्टर क्या कह रहा है, दे कोलाइड एंड आफ्टर द कोलाइजन, ठीक है, द फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव्स एट अ वेलोसिटी ऑफ 1.67। ठीक है, अब देखना ये M1 और M2 हो गया या नहीं होगा, ये तो 100 रहेगा, ये भी कितना रहेगा, 200 रहेगा, नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा। आपको सेकंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकालनी है, ये मैंने U1 मान ली, ये मैंने U2 मान ली। ठीक है, U1 की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 1.67 है, और आपको U2 निकालना है, वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपको लगेगा, M1 V1 plus M2 V2 बराबर M1 U1 plus M2 U2, लगेगा नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो आप इधर देख रहे हो 100 into 2 plus 200 into 1 is equal to 100 into 1.67 plus 200 into U2, बिल्कुल है। ठीक है, तो ये 200 और 200 कितना हो गया, 400 होगा या नहीं होगा, बिल्कुल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 167 आ जाएगा, 167 प्लस 200 U2 आ गया नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया। ठीक है, तो आप इधर देख रहे हो 400 minus 167 divided by 200 is equal to U2 आ गया। तो यहां से आप U2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, तो U2 की वैल्यू लगभग आपकी कितना आएगी, 1.165 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है ना, तो यही आपका आंसर होगा। तो U2 की वैल्यू कितनी आ गई है, 1.165 मीटर पर सेकेंड, जो चीज आपको कैलकुलेट कर ली। होप कर रहा हूँ न्यूमेरिकल आपको समझ में आ रहे हैं, सारे के सारे मोमेंटम्स पर बेस्ड न्यूमेरिकल वगैरह हम लोग कर रहे हैं मोशन चैप्टर के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से पढ़ते हैं, क्या है,
स्टोन ऑफ 1 kg, ठीक है, कोई भी पत्थर जिसका वजन कितना 1 kg, इज थ्रोन विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। जो चीज गिवन है वो लिख लेते हैं, मास ऑफ स्टोन आपको क्या गिवन है, मास ऑफ स्टोन, स्टोन का मास आपको गिवन है कितना गिवन है 1 kg आपको गिवन, हम लोग ने लिख लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब ये कौन सी वेलोसिटी है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, ये कौन सी वेलोसिटी है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी को आप किससे लिखते हो, यू से लिखते हो, ये आपको ध्यान, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है, अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस ऑफ अ लेक एंड कम्स टू अ रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, किसी बर्फ, ध्यान देना कंडीशन कैसी है, ये कोई झील है और ये झील आपकी पूरी की पूरी बर्फ से ढकी हुई है, आइस से ढकी हुई है, और यहां पर कोई व्यक्ति है, कोई आदमी है, ये इस प्रकार से, ठीक है, ये अपना फेवरेट कैरेक्टर सपोज करो, ये बिरजू भी है, ठीक है, ये कोई पत्थर को लेकर ऐसे फेंक रहे, तो ये पत्थर जब जाता है थोड़ी देर बाद जाने का, तो रेस्ट पोजीशन पर चला जाता है, अगर ये पत्थर रेस्ट पोजीशन पर जा रहा है तो मुझे बताओ भैया फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, रुक गया है, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी मैं किससे मान लेता हूँ, वी से मान लेता हूँ, वो कितनी होगी, 0 मीटर पर सेकंड होगी, नहीं होगी, यहां से लेकर ये यहां तक डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, कितना ट्रेवल कर रहा है 50 मीटर, तो मैं डिस्टेंस को एस से लिखता हूँ, भैया कितना ट्रेवल कर रहा है 50 मीटर, ये आपको बता रहा है कि व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड द आइस, जो आपने पत्थर फेंका और ये आइस जब ये रुका है तो कुछ ना कुछ फ्रिक्शन हुई होगी, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी है, तो आपको पता है फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, आपको मास पता है, अगर आप एक्सेलरेशन निकाल दो किसी ना किसी तरीके से तो पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं हम एक्सेलरेशन कैसे सॉल्व करेंगे। अब मैं आपको, ठीक है, कुछ लॉज, ठीक है, कुछ लॉज वगैरह आपको बताऊंगा मोशन के अंदर, ठीक है, 3 conditions वगैरह होती है, वो कौन कौन सी कंडीशन होती है, v बराबर यू प्लस एटी, इक्वेशन होती है लॉज ऑफ मोशन के अंदर, कुछ इक्वेशन होती है, वो 3 equation, v बराबर यू प्लस एटी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर दूसरी होती है, और थर्ड कौन सी होती है, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2as, ये 3 conditions आपके सामने होती है, ठीक है। अगर ध्यान से आपको क्या क्या गिवन है भैया, आप लोगों को v गिवन है, u गिवन है, v की फाइनल वेलोसिटी कितनी गिवन है 0, u आपको कितनी गिवन है, अभी आपने न्यूमेरिकल में देखी कितनी गिवन है आपको, इनिशियल वेलोसिटी 20 गिवन है, ठीक है, ये आपको 20 गिवन है, मास आपको कितना गिवन है 1 kg गिवन है, s आप लोगों को दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट कितना दे रखा है 50 मीटर दे रखा है, डिस्टेंस कितना दे रखा है 50 मीटर दे रखा है। अब आपको क्या निकालना है, ए निकालना है, तो अगर आप इस न्यूमेरिकल में जाएंगे, इस वाली टर्म्स को यूज करेंगे, तो यहाँ पर अननोन, ये नॉन, ये दो अननोन, दो नॉन, दो अननोन नहीं लगेगा भैया इस इक्वेशन में, ये नॉन अननोन अननोन, इसमें क्या आपको एक नॉन है, आपको दो नॉन और दो अननोन, ये भी नहीं लगेगा। थर्ड कंडीशन में ध्यान सकते हैं, तो ये पता है, ये पता है आपको, ये पता है, ए तो निकालना है आपको, ए तो फॉर्मूला यूज करेंगे, बिल्कुल ये यूज करेंगे, आप ध्यान से देखिए कैसे यूज करेंगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर क्या आएगा 2a, ऐसा आ गया, तो 0 का स्क्वायर भैया 0 आ गया, 20 का स्क्वायर 400 आ गया, ठीक है, 2 इंटू ए, एस की वैल्यू कितनी गिवन है 50 गिवन है, नहीं गिवन है, बिल्कुल गिवन है, तो माइनस 400 इज इक्वल टू 100, ए गिवन है या नहीं है, बिल्कुल गिवन है, ए की वैल्यू कितनी आ गई है माइनस 4 m/s² आ गई है या नहीं आ गई है, वर्ड इधर माइनस क्यों लगा है, ये एक्सेलरेशन तो है लेकिन नेगेटिव एक्सेलरेशन है, कैसी एक्सेलरेशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब होता है रिटार्डेशन, आप इसको क्या बोलते हो, रिटार्डेशन बोलते हो, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है, आप इसको क्या बोलते हो, रिटार्डेशन, मतलब एक्सेलरेशन तो किसी ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और रिटार्डेशन किसी ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए, आपने देखा ना फ्रिक्शन हुई है तो इसका मतलब रोकने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये माइनस है, ठीक है। अब आपको क्या निकालनी है, फोर्स निकालनी है, निकालनी है, बिल्कुल फोर्स का फॉर्मूला एम डॉट ए होता है, बिल्कुल होता है, फोर्स की वैल्यू क्या आ गई, आपको मास कितना गिवन है 1 × -4, इसका मतलब -4 N, फोर्स आपकी नेगेटिव में आ रही है, इसका मतलब क्या, सपोज करो सामने से कोई ट्रेन आ रही, मैं उस ट्रेन को अगर धक्का मार के जाता हूँ, वो ट्रेन दूसरे डायरेक्शन में जाए, क्या ट्रेन की फोर्स मेरी फोर्स से कम है, नहीं, ज्यादा है ना, तो क्या करेगी, फोर्स मैं उस डायरेक्शन लगाऊंगा लेकिन ट्रेन मुझे उल्टा धकेलेगी, इसका मतलब मैं जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ उस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव नहीं हो रहा बल्कि अपोजिट डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, इसलिए नेगेटिव आएगी, ये चीज आपको ध्यान रखना, समझ रहे हो, मतलब यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा है व्यक्ति के पत्थर को फेंकने की फोर्स से, इसलिए वर्ड क्या है, नेगेटिव आया है, ये चीज तो यहाँ पर ध्यान से रखते हैं। तो ये था आपके लिए तीसरा न्यूमेरिकल, चलिए अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट सिंपल वे पे ऐसे न्यूमेरिकल आपको यहाँ पर देख रहे हो, ये है क्वेश्चन नंबर 4th आपके स्क्रीन पर, ये रहा, ठीक है, क्या कहता है, ध्यान से पढ़ते हैं, ये कह रहा है 8000 kg इंजन पुल्स, ठीक है, अ ट्रेन ऑफ 5 wagons, 8000 का इंजन है जो 5 डब्बों को खींचता है और 5 डब्बों का वजन, इसमें से 1 डब्बे का वजन 4000 है, किसी होरिजोनटल ट्रैक, मतलब
चल रहे हैं, आगे चल रहे स्ट्रेट लाइन पर. इफ द इंजन एक्सपर्ट एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 40,000 न्यूटन, अगर इंजन फोर्स लगा रहा है 40,000 न्यूटन की, ठीक है, एंड द ट्रैक ऑफर्स अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑफ 5,000 न्यूटन. जब गाड़ी का इंजन चल रहा होगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी. वो कितनी लगा रहा है? 5,000, ये 40,000 लगा रहा है. आपसे बोल रहा है भाई कैलकुलेट द नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, टोटल फोर्स, ठीक है. ये कह रहा है F टोटल निकालिए. तो F टोटल का मतलब क्या होगा? F1 प्लस F2 होगा या नहीं होगा? F1 यहाँ पर मैंने फोर्स मान ली. किसकी फोर्स मान ली भैया? फोर्स एक्सर्टेड, मैंने यहाँ पर क्या मान ली? फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंजन. ये मैंने किससे मान ली भैया? ये फोर्स एक्सर्ट कर रही है किससे? इंजन के द्वारा. और F2 मैं इधर मान लेता हूँ फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्रिक्शन, है ना, फ्रिक्शन के द्वारा जो फोर्स होगी. फ्रिक्शन क्या कर रहा है? स्टॉप कर रहा है ऑब्जेक्ट को. इसका मतलब वैल्यू किस में जाएगी? नेगेटिव में जाएगी? नहीं जाएगी, बिल्कुल जाएगी. F1 की वैल्यू 40,000 अगर आपके सामने गिवन है 40,000 न्यूटन, तो F2 की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी? माइनस के 5,000 न्यूटन होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी. F टोटल आपको निकालना है, तो F टोटल आपका कितना हो गया? 40,000 आपको वैल्यूज पता है, माइनस उसमें आपने 5,000 कर ली, तो कितना आ गया? 35,000 न्यूटन आ गया या नहीं आ गया? ठीक है, कितना आ गया? 35,000 न्यूटन. तो यही तो निकालनी थी. तो भैया F टोटल आपकी टोटल फोर्स कितनी आ गई? 35,000 न्यूटन आ गई है. फर्स्ट पार्ट आपका बिल्कुल सोल्व हो गया. नेक्स्ट क्या कहता है? द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन. फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एम डॉट ए, अभी मैंने आपको बताया. आपको एफ पता है, मास निकाल लो, और ए पता है, ठीक है. आपको ए निकालना है, मास आपको पता है. कैसे निकालेंगे? अब ध्यान से रखें, ऐसे कैसे निकालेंगे ध्यान से रखें. अगर मैं इधर मास की बात कर रहा हूं, तो मास भी हमें क्या निकालना पड़ेगा? टोटल मास निकालना पड़ेगा. टोटल मास मतलब मास ऑफ इंजन, इंजन का मास अलग से निकालना पड़ेगा, प्लस और आपको किसका निकालना पड़ेगा? मास ऑफ वैगन्स, जो डब्बे हैं उनका मास निकालना पड़ेगा. अब इंजन का मास कितना गिवन है? 8,000 आपको गिवन है, नहीं गिवन है? बिल्कुल गिवन है. तो 8,000 आपने लिख दिया. उसके बाद कितने डब्बे गिवन है आपको बच्चों? ध्यान से देखिए, 5 डब्बे और 1 डब्बे का 2,000, ठीक है. तो 5 डब्बे और 1 डब्बे का 2,000, तो कितना आ गया? 8,000 आ गया, नहीं आ गया? तो 5 जूनी 10, 10 और 3 0, तो 8,000 प्लस 10,000 कितना हो गया आपको बच्चों? बताओ फटाफट, कितना हो गया? 18,000 हो गया या नहीं हो गया? आंसर क्या हो गया आपका? 18,000 हो गया, नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया, ठीक है. केजी मास हो गया, 18,000 केजी आपका क्या हो गया? मास हो गया. अब आपको क्या निकालना है? फोर्स निकालनी है. तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एम डॉट ए होता है, नहीं होता है? बिल्कुल होता है. अभी आपने फोर्स देखी बच्चों कितनी आई आपकी? 35,000 आई. मास अभी आपने देखा कितना आया? 18,000 आया, नहीं आया? ए आपको निकालनी है. तो आप यहाँ से ए की वैल्यू निकाल सकते हो, निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो. ध्यान से देखिए, 30 से 30 कैंसिल होगी या नहीं कैंसिल होगी? बिल्कुल कैंसिल आउट हो गई है. अब आपकी ए वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया? आपको 35 को डिवाइड करना है 18 से, तो लगभग कितना आएगा? 1.94 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. 1.94 मीटर पर सेकंड स्क्वायर विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है. तो ये सिंपल सा न्यूमेरिकल आपके सामने, ये था चौथा न्यूमेरिकल. अब नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल की तरफ ऐसे बढ़ते हैं. नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है. ध्यान देते हैं क्या कहता है. ये कहता है एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज अ मास ऑफ 1500 kg, ठीक है. व्हाट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड द रोड इफ द व्हीकल इज स्टॉप्ड विद अ नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ 1.7, ठीक है. कोई ऑटोमोबाइल है, उसका वजन आपको गिवन है 1500 kg, ठीक है. वो सड़क पर चल रहा है, सड़क पर चलने का कुछ देर बाद जा करके वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण रुक जाता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन के कारण रुक जाता है, और वो कितने गिवन है? 1.7. नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब रिटार्डेशन. मैंने अभी आपको बताया कोई ऑब्जेक्ट रुकता है तो किस वजह से रुकता है? नेगेटिव एक्सेलरेशन की वजह से रुकता है, रिटार्डेशन की वजह से रुकता है. बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर है. आपको क्या निकालनी है? फोर्स. फोर्स का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, नहीं होता? बिल्कुल होता है. आपको मास गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए, न्यूमेरिकल विल बी सॉल्व. तो फोर्स कितनी आ जाएगी? मास कितना गिवन है आपको? 1500 गिवन है या नहीं गिवन है? बिल्कुल गिवन है. नेगेटिव एक्सेलरेशन माइनस के 1.7, है ना, माइनस के 1.7. द करेक्ट आंसर विल बी -2550 न्यूटन विल बी द फोर्स. समझ रहे हो? -2550 विल बी द फोर्स. सिंपल सा न्यूमेरिकल ये आपके सामने का स्क्रीन पर. चलिए अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ हम लोग चलते हैं, सिमिलर वे में. क्वेश्चन नंबर 6, सिमिलर वे में हम लोग कहां पर चल रहे? क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर ही है. क्या कहता है ध्यान से देखिए. ये कहता है टू ऑब्जेक्ट ईच ऑफ मास 1.5 kg, ठीक है. दो ऑब्जेक्ट है और उनका मास कितना है? 1.5 kg. आर मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन बट इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है. अगर एक ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है तो एक ऑब्जेक्ट आपका ऐसे जा रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं. चलो ये लिख लेते हैं कंडीशन कैसे कैसे गिवन है. M1 आपको गिवन है 1.5 kg, बिल्कुल गिवन है. M2 आपको गिवन है 1.5 kg, बिल्कुल गिवन है. वेलोसिटी कितनी मान लीजिए? अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे, नहीं चल रहे? बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, ठीक है. ध्यान से
क्लियर है। अभी आपको आपको वेलोसिटी नहीं गिवन है, ठीक है, ध्यान रखना। द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज 2.5 मीटर पर सेकंड बिफोर द कोलिजन। टक्कर लगने से पहले v1 की वैल्यू भी कितनी गिवन है, 2.5 मीटर पर सेकंड गिवन है। v2 की वैल्यू भी कितनी गिवन है, 2.5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये कंडीशन कब है बच्चों, बिफोर कोलाइजन है या नहीं है, टक्कर लगने से पहले कंडीशन है या नहीं, बिल्कुल कंडीशन है। टक्कर लगने के बाद तो मास में तो कोई चेंज नहीं होगा ना, बिल्कुल वही रहेगा। तो ये भी 1.5 रहेगा, ये भी कितना रहेगा, 1.5 केजी, ये भी 1.5 केजी रहेगा, नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा। लेकिन आ सकते हैं ड्यूरिंग विच दे स्टिक टूगेदर, वो दोनों एक दूसरे से चिपक जाते हैं। जब वो चिपक गए तो वेलोसिटी तो कंबाइंड वेलोसिटी होगी ना, तो आप कंबाइंड वेलोसिटी को क्या बोलोगे, वी तो बोलोगे भैया। टोटल की कंबाइंड वेलोसिटी हमने कितनी मान ली, चिपकने का एक वेलोसिटी होगी, कितनी होगी, वी होगी। तो आपको बोल रहा है व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलाइजन। फिर से हम कौन सा लगाएंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे, m1 v1 plus m2 v2 is equal to m1 plus m2 into v, है ना, यही तो लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड में अब चल के आगे देखते हैं वैल्यूज कैसे कैसे गिवन है। m1 आपको गिवन है, कितना गिवन है, 1.5 गिवन है, ठीक है। m2 भी कितना गिवन है, 1.5 गिवन है। v1 is equal to v2 is equal to 2.5 गिवन है, नहीं गिवन है, बिल्कुल गिवन है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हम लोग सारी सारी वैल्यूज पुट करते थे, तो 1.5 इनटू 2.5 प्लस, ठीक है। आप ध्यान रखना m2 की वैल्यू कितनी गिवन है, 1.5। लेकिन एक ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है तो दूसरा ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है तो दूसरा ऐसे जा रहा है, तो बच्चों यहाँ पर नेगेटिव आएगा ही नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, है ना, डायरेक्शन चेंज है। तो यहाँ पर क्या गया, माइनस के 2.5 आ गया, इज इक्वल टू 1.5 प्लस 1.5 कितना आ गया, 3 into v। तो आप देखो ये और ये दोनों सेम है, बस साइन चेंज है। तो यहाँ पर क्या आ गया, 0 is equal to 3 into v। जब वो दोनों चिपक गए हैं, एक साथ स्टिक हो गए हैं, तो क्या आगे पीछे मूव करेंगे, नहीं करेंगे। तो v की वैल्यू कितनी आ गई, 0 will be the correct answer, 0 will be the correct answer। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए था स्क्रीन पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके देखते हैं इसी तरह से, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर ये रहा, ध्यान देखते क्या कहता है। ये कहता है अ हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम, कोई हॉकी बॉल है उसका मास कितना गिवन है, 200 ग्राम है। वो ट्रेवल कर रही है कितनी वेलोसिटी से, 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है, ठीक है। इज स्ट्रक बाय अ हॉकी स्टिक सो एज टू रिटर्न इट अलोंग इट्स ओरिजिनल पाथ विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। जिस पाथ से वो आई थी उसी पाथ पर अगर वो वापस चल जाए टकराने के बाद, कितनी वेलोसिटी से, 5 मीटर पर सेकंड से चल जाती है, ठीक है। तो आपको बताना है भाई चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया है, अकर्ड बाय इन द मोशन, इस पूरी कंडीशन में चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ। तो अब हम कंडीशन देख लेते हैं भाई कैसे कैसे आपको गिवन है, ठीक है, ध्यान रखिए। सबसे पहले m1 की वैल्यू आपको गिवन है, कितने गिवन है, 200 ग्राम गिवन है, ठीक है। v1 की वैल्यू कितने गिवन है आपको, 10 मीटर पर सेकंड गिवन है, नहीं गिवन है, बिल्कुल गिवन है। ये कब है, बिफोर स्ट्रक है ना, टक्कर लगने से पहले, मतलब हॉकी स्टिक से टक्कर लगने से पहले। भैया हॉकी स्टिक से टक्कर लगने के बाद m1 भी आपका कितना रहेगा, यही रहेगा, नहीं रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा। अब वेलोसिटी आपको कितनी बता रहा है भैया, कितनी हो जाती है, 5 मीटर पर सेकंड हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है, ठीक ना। मोमेंटम को आप किससे लिखते हो, पी से। मोमेंटम का फॉर्मूला कितना होता है, एम इंटू वी होता है। इसका मतलब ये आपका आफ्टर स्ट्रक, मतलब टक्कर लगने के बाद उस हॉकी स्टिक से तब का मोमेंटम है। तो बिफोर स्ट्रक आपका मोमेंटम कितना हो जाएगा बच्चों, मुझे फटाफट बताओ। तो 200 इंटू 10 हो जाएगा, नहीं जाएगा, इसका मतलब कितना हो गया, 2000। इसका मतलब क्या हो गया, 2000 हो गया। मास किसमें गिवन है, ग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये आपकी वैल्यूज आ गई आफ्टर स्ट्रक। हम लोग यहाँ पर मोमेंटम निकाल लेते हैं, ये मैंने p1 मान लिया। अब ऐसे ही मैं आपका p2 निकाल लेता हूँ। p2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m इंटू वी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, m1 इंटू वी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, सॉरी p2 हो जाएगी, यहाँ पर m1 इंटू v1, क्लियर है। अब ध्यान देते हैं, तो 200 इंटू 5 हो गया, नहीं हो गया बच्चों, कितनी हो गई है, ये कितनी हो गई, 1000 gm पर सेकंड हो गई है, नहीं हो गई है, बिल्कुल हो गई है। अब चेंज इन मोमेंटम ही तो निकालना है बच्चों आपको। चेंज इन मोमेंटम मतलब डेल्टा पी इज इक्वल टू p1 माइनस p2। p1 की वैल्यू अभी आपको कितने आई है भैया, 2000 आई है। p1 की वैल्यू कितनी है, 1000। तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया, 1000 हो गया, या नहीं हो गया, 1000 ग्राम मीटर पर सेकंड। यही तो आपको निकालना था, सिंपल सा न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पर ये, ठीक है। तो सिमिलर वे में आपका एक अगला न्यूमेरिकल, ये क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ये आपका होमवर्क है। आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और सॉल्व करने के बाद प्लीज कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा क्या आंसर आया है। जब हमारी कल नेक्स्ट क्लास होगी हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा कि आपका आंसर सही है या नहीं, ठीक है। इसी प्रकार से सिमिलर वे में आपके पास एक न्यूमेरिकल और है, ये क्वेश्चन नंबर 9, ये भी आपका होमवर्क है। आप इसको भी सॉल्व करिएगा और अपना आंसर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि सर हमारा इसका आंसर ये आया है। फिर नेक्स्ट क्लास जब भी होगी हमारी, कल होगी, हम इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कैसे कि आपका आंसर बिल्कुल सही आया है या नहीं आया।
तो ये थी आज का सेशन। तो जितने भी आप लोग बच्चे हैं सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको अपडेट मिलता रहे कि क्लास हम कब लाइव होने वाली है हमारी, उसका बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिएगा और टेलीग्राम जो चैनल नीचे इसको ज्वाइन कर लीजिए। अर्न अकेडमी प्लस पर आप मेरा कोर्स परचेज कर सकते हैं, आप मेरा कोड यूज करिए बीकेपी लाइव और वहां पर आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे आप सभी जानते हैं मैं लेट्स क्रैक डिफेंस एग्जाम पर भी पढ़ाता हूं और ये भी नया चैनल बना है हमारा डिफेंस प्रिपरेशन के लिए क्वेस्ट, डिफेंस क्वेस्ट करके यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो आप जरूर आप कोड यूज करके पढ़ सकते हैं मेरे से, क्योंकि मेरा अभी लेटेस्ट में कोर्स जो स्टार्ट हुआ है मॉडर्न हिस्ट्री का प्लस पर, और प्रीवियसली मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी प्लस पर सारी पढ़ा चुका हूं। आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं यूट्यूब चैनल पर लेट्स क्रैक डिफेंस एग्जाम पर, वहां पर मेरी वीडियोस पड़ी हुई है। तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल एंड प्लीज हिट द बेल आइकन एंड यूज माय कोड वीकेपी लाइव फॉर इंस्टेंट 10% डिस्काउंट एंड प्लीज डू वॉच डेली सेशंस ऑन डिफेंस क्वेस्ट ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स फॉर योर प्रिपरेशन सो दैट यू कैन बिकम एन ऑफिसर एज सून एज पॉसिबल। तो कल मिलते हैं सेम टाइम वगैरह पर, जल्दी मिलेंगे कल से आपसे, ठीक है। और ये दो क्वेश्चन जरूर करेगा और उसका कमेंट सेक्शन में प्लीज आंसर जरूर डालिएगा और शेयर करना जरूर, शेयर जरूर करेगा वीडियोस को और लाइक अप जरूर कर देगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, कल मिलते हैं बच्चे।